हमारे बिहार यूपी बिहार में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इसको 5 दिन का होता है। ये 3 बजे आ जाते हैं तो सुबह जब सूर्य उदय होता है तब मार्ग देते हैं। सूर्य देव की आराधना का ये बहुत ही पवित्र त्योहार है। छठी मैया की पूजा और सूर्य देव की पूजा की जाती है। प्रवासियों के द्वारा धूमधाम के साथ मनाई जाने वाली महापर्व छठ पूजा को अंतिम दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर 4 दिन तक चले इस पर्व का समापन हो गया है। रविवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सोमवार अल सुबह व्रत रखने वालों ने देवीलाल स्टेडियम घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। पूजा करने वाले लोगों ने पानी के अंदर खड़े होकर विधि अनुसार सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। उसके बाद अपनी मन्नत को छठी मैया से मांगते हुए व्रत को पूरा किया। इस महापर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। उगते हुए सूर्य के अर्घ्य को उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन व्रती महिलाएं सुबह उगते हुए सूर्य को नदी के घाट पर जाकर अर्घ्य देती हैं। इसके साथ ही छठी मैया और सूर्य भगवान की आराधना और अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। पूजा अपने परिवार और बच्चों के लिए होती है। उसमें रखते हैं, फिर उसे घाट लेके जाते हैं जी। फिर उसमें बर्तन रखते हैं, फिर शाम के टाइम अर्घ्य देते हैं। शाम के टाइम और हम सुबह भी आते हैं, 3 बजे आ जाते हैं। फिर सुबह जब सूर्य उदय होता है तब अर्घ्य देते हैं। मेरा नाम राखी है और ये छठ मैया का पर्व हमारे बिहार यूपी बिहार में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इसको 5 दिन का होता है ये। और ये पहले मरवा और माछ मारते हैं, प्याज व्याज कुछ नहीं खाते, लहसुन प्याज। और दूसरे दिन हम नहाए खाए खाते हैं, जिसमें हम चने की दाल और घिया की सब्जी, बस यही सब खाते हैं, चावल। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे खरना होता है। उसमें शाम को सिर्फ एक बार हम जैसे चाय वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ खीर खाते हैं और पानी। सूरज को आज शाम को अर्घ दिया जाता है और फिर हम सुबह के सूरज को अर्घ देते हैं। कहते हैं जो सुबह का सूरज जो होता है वो हमारी खुशियों में, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ भर के लाता है, सब कुछ लाते हैं, जो मांगे कहा जाता है ये पूरा करते हैं छठ भगवान। जैसे बच्चा जिसको नहीं होता उसको देते हैं, और जो भी मांगो अपनी इच्छा दिल से वो पूरी होती है ऐसा माना जाता है और ये सच भी है। मधुर दवन जे पूरा दू में उपाय हुए से हुनका पाँचों फोर देवन नवेद देवन हुनका सब गोटा जोर लगे रात बना फिर प्रात से दुनू से सौ जे पूरी पका के जे मुन अहाँ करी से मुन पूरा करती छठ माता। आ तखन अहाँ प्रात बने पूरी पका के अपन हुनका अर्घ अर्घ देव तहन हुनका भोर साँझोमे अर्घ कन भोरोमे बता दें कि सोहना के देवीलाल स्टेडियम के अंदर छठ पर्व को देखते हुए पूजा करने के लिए जहां 9 सालों से घाट बनाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक समिति का भी गठन किया हुआ है ताकि छठ पर्व के दौरान किसी को कोई समस्या ना हो। बता दें कि छठ पूजा के 4th दिन सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं कच्चे दूध और जल और प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करती हैं। ये सोना में 9वीं बार हमारा छठ पूजा का कार्यक्रम हो रहा है छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से। और जो सूर्य देव की आराधना का ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है, छठी मैया की पूजा और सूर्य देव की पूजा की जाती है। अभी शाम के समय जो पूजा हो रही है ये सूर्यास्त जो होगा उनके अस्त के समय उनको अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद सुबह जो सूर्योदय होगा उसकी उसके अर्घ के साथ में इसका समापन किया जाएगा। सूर्य के डूबते हुए और सूर्य के उगते हुए का पूजा है। इसमें सभी लोग सूर्य के डूबते हुए के अर्घ देते हैं और उगते हुए को अर्घ देते हैं। छठ पूजा की पूजा हो रही है छठ मैया की। बता दें कि यह महापर्व 17 नवंबर को नहाए खाए से शुरू हुआ था और पूरे 4 दिनों तक इस पर्व में साफ सफाई शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र ध्रुव योग विष्टिकरण है।
अगर विद्वानों की मानिए तो नियमित रूप से भी यदि सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाए तो कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, इससे कार्यों में सफलता मिलती है, यश की प्राप्ति होती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।